नमस्कार दर्शकों, आरवाइस डिजिटल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आज के मुख्य ताजा खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार जिले के भ्यातखावा चाय बागान के 1500 श्रमिकों को मिलेगी बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा। पंजाब नेशनल बैंक अलीपुरद्वार चौपाटी ब्रांच बैंक के मैनेजर संजय कुमार सिंह और भ्यातखावा चाय बागान के सुपरिंटेंडेंट मैनेजर टी पांडे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर ने बताया कि विगत 2 महीनों से हम चाय बागानों में वर्करों का अकाउंट बनाने का काम में लगे थे। बैंकिंग की सुविधा का काम आज से शुरू किया गया है। आज 109 श्रमिकों का पंजाब नेशनल बैंक खाते में पहला पेमेंट किया गया। उन्होंने कहा कि डोर स्टेप में बैंक को पाकर लोगों में रुपए की सेविंग की रुझान बढ़ेगी। आने वाले समय में श्रमिकों का छोटा ग्रुप बनाकर माइक्रो लोन देने की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। इसके माध्यम से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। भ्यातखावा चाय बागान के सुपरिंटेंडेंट मैनेजर टी पांडे ने कहा कि इससे चाय बागान के लोगों को काफी सुविधा होगी। श्रमिकों का पेमेंट उनके खाता में डाल दिया जाएगा और जब चाहे वो अपना रुपया निकाल सकते हैं। बागान के पीएफ क्लर्क विश्वजीत भट्टाचार्य ने बताया कि कई श्रमिकों के अकाउंट में और पीएफ में गड़बड़ी होती है, जिस कारण क्लेम में असुविधा होती थी, मगर बैंक अकाउंट खुलने से पीएफ रिकॉर्ड के अनुसार नाम ठीक अकाउंट बनाया गया है ताकि अगली बार असुविधा न हो। आज पहला पेमेंट बिरजू उराव नामक श्रमिक को दिया गया। इस टाइप से हम लोग पेमेंट लेते थे, लेकिन अभी सुविधाजनक डिजिटल होने के कारण सरकार भी बार बार बोल रही है कि डिजिटल के माध्यम से ही हम लोग का लेन देन होना चाहिए, कैशलेस सिस्टम से होना चाहिए। तो हमें बड़ी खुशी गर्व हो रहा है जो कि आज 101 कैंडिडेट का मजदूर आज पेमेंट लेंगे। आप एक जिस तरह से यहाँ पे पीएफ के भी जिम्मेदारी है आपने, तो बहुत सारे लोगों का भूल त्रुटि होता था, इसमें आपको कैसा मदद मिलेगा यहाँ के लोगों को? बहुत सारा मदद मिलेगा, क्योंकि पीएफ का जो अभी केवाईसी का जो बात था, इसमें बहुत ही मजदूर का बैंक अकाउंट नहीं होने का कारण से उन लोगों का केवाईसी अभी तक सम्पन्न नहीं हुआ था, जो अभी पासबुक बन जाने के कारण से सभी को केवाईसी करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। या तो जो भी बना है आधार कार्ड के द्वारा बैंक किताब बनाया गया है, तो वही हिसाब से अगर केवाईसी होगा तो आने वाला दिन में वो लोग को ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी कोई तकलीफ नहीं रहेगा। ये सुविधा मजदूर को मिलेगी। हम लोगों ने अभी जब पिछले 2 महीने से जो है, जब लॉकडाउन जो है ये ख़त्म हुआ, तो ये सुपरिंटेंडेंट साहब के मतलब सहयोग से जो है हम लोगों ने ये अकाउंट ओपनिंग जो शुरू किया। ऑलमोस्ट जो है जितने भी वर्कर्स हैं, जो परमानेंट वर्कर्स हैं, शायद 15,000 जो है 1500 वर्कर्स हैं, उनका अकाउंट जो है हम लोगों ने बना चुके हैं। और कैजुअल वर्कर, हाँ कैजुअल वर्कर का भी जो है अभी जो है नया अकाउंट जो है चालू है, वो उसको भी जो हम लोग जो है 10-15 दिन के अंदर जो है पूरा जो है अकाउंट जो हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे। जो परमानेंट वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को जो है गार्डन में जो भी क्या है कि अभी तक जो कैश पेमेंट का जो है होता था, तो कैश पेमेंट में जो है क्या है कि वर्कर अपना पैसा पाता है और पूरा खर्च कर देता है। इससे क्या है कि जब हम अकाउंट में पैसा देंगे तो बहुत सारे जैसे मेजपा में हम लोगों ने शुरू किया है, तो वर्कर्स जो है अपने अकाउंट में जो है पैसा जो है मतलब सेविंग हैबिट जो है वो जनरेट कर रहा है। अब मोस्टली जो लेडीज लोग हैं तो इसमें जो है लेडीज का, अच्छा आगे जब ये अकाउंट ओपनिंग शुरू होगा तो बहुत सारे जो है जो वर्कर हैं उनको जो है हम लोग लोन भी देते हैं, छोटे छोटे 10,000, 15,000, 20,000 का जो है एक ग्रुप बना के जो है लोन देते हैं, जिससे वो छोटे छोटे जो है व्यवसाय लोग करते हैं, मतलब गार्डन में भी काम करते हैं, घर पर जो है छोटा व्यवसाय भी करेंगे। सर बैंक जो है ये कौन से बैंक से ऑपरेट होगा और कौन सा ब्रांच इसके देखरेख में रहेगी? ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अलीपुरद्वार ब्रांच के अंडर में ये सब रहेगा। अब तो 1 अप्रैल 2020 से जो है ये पंजाब नेशनल बैंक में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मर्ज किया है, तो जो भी देखरेख है पंजाब नेशनल बैंक अलीपुरद्वार चौपत्ती शाखा के देखरेख में जो रहेगा। यहाँ पे जो है हमारे जो है किसी एजेंट रहेंगे वो काम करेंगे, ये हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है अत्याधिक का, ये सपोर्ट देंगे, ये हमारे अत्याधिक के दूसरे जो कोऑर्डिनेटर हैं ये कल्याण जी हैं। सर पीएनबी की तरफ से मजदूर लोगों का जो पेमेंट का सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट आज का उद्घाटन हुआ है, और आज में हमारे सिंह साहब जो पीएनबी के चीफ मैनेजर हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि आज में अपने इनके हाथों द्वारा ये उद्घाटन संपन्न हुआ है,
और मैं भातखावा चाय बगान की जनता और यहाँ के सभी मजदूर की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।